आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव श्यामपुर हादीपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 3 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान श्रीमती सरोज देवी हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की कमान इनके हाथ में सौंप दी। आइए जानते हैं 4 वर्ष में इन्होंने गांव की क्या सेवा की है, सुनिए इन्हीं की जबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के श्यामपुर हादीपुर गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिनकी पूरी जानकारी हम प्रधान से लेकर ही आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ पर 4 साल आपके कार्यकाल को बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने गांव में अब तक करवा दिए? विकास कार्य गांव में जो रास्ते खराब थे वो सारे ही बनवा दिए लगभग, और काम चल भी रहे हैं। और शौचालय भी बनवाए हैं प्रधान, इधर देखो शौचालय भी बनवाए हैं। और तुम्हारा जो है, जिन लोगों को जो 2011 की सूची में हमारे पात्र लाभार्थी थे आवासों को, उनको आवास भी दिलवाए हैं। और विकास कार्य तो चल ही रहे हैं लगभग। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है यहाँ लोगों को? उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जो सरकार ने मुफ्त में चलाए हैं, हाँ सब मिल रहा है। किसानों के खातों में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा था, वो कितने परसेंट लोगों का आया? वो आ रहा है, मगर कुछ लोगों के जो खाते मतलब गलत फीड हो गए हैं, तो उसमें कुछ का रुका भी पड़ा। राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब राशन कार्ड बने हुए हैं कुछ थोड़े बहुत। 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा समय पर मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल। सफाई कर्मचारी नियमित आते हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। गांव के लड़का प्रॉपर कर रहा है। स्कूल पर क्या क्या कार्य करवाए? स्कूल में हमने स्कूल का एक तो रैंप बनवाया है, और कुछ एक दो कमरों के फर्श खराब थे फर्श कराए, और दरवाजा खराब था दरवाजा लगवाया, और फर्नीचर दिलवाया। ये इतना सौंदर्यकरण कराने के बाद में स्कूल में कोई बदलाव दिखाई दिया? छात्रों की संख्या बढ़ी? संख्या बिल्कुल सही है। शिक्षक समय पर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहते हैं? मांग सरकार कर तो काफी रही है, ज्यादा तो इससे ज्यादा और क्या। कोई समस्या आपके गाँव में ऐसी है आप चाहते हैं कि इसका समाधान सरकार करे किसी तौर पर? समस्या गांव में, ज़्यादातर गांव में समस्याएं जो आती हैं ना, वो जल निकासी की आम है। वो मतलब गांव के जो नज़दीकी तालाब हैं वो तो सारे भरे भर जाते हैं एकदम, क्यों बारिश बरसात के मौसम में ही भर जाए। तो उसके लिए मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, गांव से जो बाहर को नालों की व्यवस्था करनी चाहिए। नाला जा रहा है, बड़ा नाला, उसमें जाना चाहिए। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर, ये सब बना हुआ है? पंचायत घर एक है बना हुआ, बारात घर नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी है। खेल का मैदान है? खेल का मैदान मतलब स्कूल में ही है, जो भी प्रांगण है वैसे अलग से नहीं है। हाँ, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये सब बने हुए हैं? बाउंड्री वॉल हो रखी है? शमशान घाट बने हुए हैं, बाउंड्री भी हो गई है उसकी, यहाँ बाउंड्री का काम चल रहा है। कोई और समस्या आपके गाँव में ऐसी प्रमुख नजर आती है जिसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? खास समस्या वैसे है नहीं हमारे, सही है, काफी विकास यहाँ पर। हाँ कुछ सही है, पब्लिक खुश है आराम से, ऐसा नहीं है। राशन वाशन की थोड़ी दिक्कत आ जाए कभी कभी, बस वो अंगूठे पकड़ना पाते जिन लोगों के अंगूठे घिस गई हैं। वितरण समय तो होता है? वितरण तो समय से ही होता है, पूरा मिलता है राशन? हाँ। कोई शिकायत तो नहीं है यहाँ लोगों की राशन डीलर को लेकर? थोड़ी बहुत तो रहती है, देखो जी छोटी मोटी शिकायत तो रहती है। तो आप इसका समय समय पर आप इसका ध्यान देते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें मिलते हैं जनता की समस्याओं को लोग सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग हमसे टकराते हैं उनका हम पूरा समस्या का समाधान करते हैं। सही, जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ प्रधान जी से बातचीत की है, काफी यहाँ पर विकास इनके द्वारा करवाया जा चुका है, जैसे कि आवास भी बनवाए गए हैं, सीसी कार्य, सड़क निर्माण वगैरह भी करवाया गया है। यहाँ शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि सबसे बड़ी प्रमुख समस्या यहाँ मानते हैं प्रधान जी का कहना है कि इस गाँव में जल भराव की बहुत ही स्थिति खराब है। यहाँ पर सरकार द्वारा एक नॉर्मल हिसाब से नाला निर्माण कराना चाहते हैं गांव से बाहर, जिससे कि जल निकासी का इनका प्रबंध हो सके और गांव स्वच्छ और सुंदर बन सके। यहाँ पर बारात घर को लेकर भी ये मांग करते हैं। अशरफ अली के साथ मैं आदरणीय टुडे 24 से।